नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। हरियाणा CHO 428 पद जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। आरओपी आ गई है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की 2023-24 के अंदर। जो भी भर्ती आएगी हरियाणा CHO की, उसके बारे में उसमें बताया गया है। GNM इस बार फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत शानदार आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है हरियाणा में CHO बनने की। पद भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, 428 क्या वेतनमान रहने वाला है और क्या योग्यता इसके अंदर मांगी जाएगी और कब तक ये फॉर्म आएंगे, सारी डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों नया टेलीग्राम ग्रुप बना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी आईडी दे दी है। वहाँ से आप लोग उस लिंक पर जाके जरूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोग भविष्य में आने वाली किसी प्रकार की नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी एवं CHO की वैकेंसी की फ्री क्विज अटेंड कर पाएँ और सारी जानकारी आपको हर एक वैकेंसी की वहाँ पर सबसे पहले अप टू डेट मिले। तो दोस्तों इसीलिए हम लोगों ने एक शानदार ग्रुप टेलीग्राम का बनाया है, वहां आप जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। अब मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर आरओपी दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर 428 पदों का जिक्र किया गया है हरियाणा CHO का। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की खबर लेने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल जो कि नर्सिंग ग्लोब यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती है किसी भी प्रकार की, कोई भी अपकमिंग वैकेंसी या फिर अभी जो वैकेंसी चल रही है उन सारी वैकेंसी की डिटेल आपको सबसे पहले यहाँ मिलती है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग वैकेंसी देख रहे हैं उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों आप इसके अंदर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि HSS, तो दोस्तों ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूरल एरिया के जो स्टाफ है, जो इन लोगों को लेने हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों इसके अंदर जो नीचे लाइनिंग के अंदर जिक्र किया गया है, इसके अंदर लिखा हुआ है NHM सेकेंड डेट 6 मार्च प्रपोजल फॉर 428 HSC SWC विच वॉज अर्लियर अप्रूव्ड इन 15th फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 इज़ नाउ विड्रॉन फ्रॉम 15th फाइनेंशियल ईयर। तो इसको 15th के अंदर विड्रॉन कर लिया गया है और प्रपोजल फॉर 428 HSC SWC इज़ सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 428 जो सब सेंटर है जिसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर डेवलप किया गया है, उसकी सारी अप्रूव्ड जो फाइल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दी गई है। और वहाँ से अप्रूव्ड होते ही डिस्ट्रिक्ट से भी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती है हरियाणा के अंदर, वहाँ से भी PIP जो है वो मंगवा ली गई है और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजेंगे, उस अनुसार ये वैकेंसी आएगी। दोस्तों इसके अंदर 428 CHO द डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रूवल फॉर दीज 428 HSC SWC विल बी सेंड टू डिस्ट्रिक्ट बाई द कंसर्न प्रोग्राम डिवीजन आफ्टर फाइनल अप्रूवल ऑफ सप्लीमेंट्री PIP फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये 428 जो CHO है, इसकी वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा के अंदर आएगी, जैसे कि हमेशा आती है। इसके अंदर हरियाणा का रजिस्ट्रेशन कोई भी अनिवार्य नहीं होता है, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी स्टेट का कोई भी रजिस्ट्रेशन हो वो अप्लाई इसके अंदर कर पाएगा। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो ये GNM को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। इसके अंदर BSc नर्सिंग या फिर आप लोगों के पास BMS की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCSB आपके पास होना चाहिए। वही लोग इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। रिटर्न टेस्ट होता है 100 नंबर का, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी घोषित किया जाता है। रही बात सैलरी की, तो सैलरी इसके अंदर 25,000 रहती है, इंसेंटिव के तौर पर आपको 15,000 भी मिलते हैं। 5 साल तक आपकी यही सैलरी रहती है, उसके बाद आप लोगों का इसके अंदर ग्रेड पे लागू हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा खासा ग्रेड पे रहने वाला है। ग्रेड पे इसके अंदर 4800 रहता है, तो दोस्तों सैलरी अच्छी खासी बन जाती है 5 साल बाद। तो दोस्तों ये सब हरियाणा की जो आने वाली वैकेंसी है CHO की, उसके लिए है। एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए। ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी जनवरी के अंदर, जनवरी 2024 के अंदर 428 पदों पर CHO हरियाणा की वैकेंसी आने वाली है। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब डिटेल कॉन्टैक्ट की प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।